नंदनी गुप्ता का कहना है कि तुहाड़ा पिछोकड़ की है, एक गल तुहाड़ी सफलता ते राज नहीं आउंदी, बस तुहाड़ा टीचा वड्डा होना चाहिदा है ते उत्थे पहुंचण लई तुहाड़ी हिम्मत। दस दईए कि नंदनी गुप्ता ने इस साल मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 दा खिताब हासिल कीता है ते खिताब उसने महज 19 साल दी उम्र च हासिल कीता। नंदनी गुप्ता राजस्थान दे कोटा दी रहन वाली है अते मिस इंडिया वर्ल्ड बनन तो पहला मिस राजस्थान दा खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। उसका कहना है कि ओ राजस्थान तो मुंबई पढ़ाई करन दे लई आई सी ते इस तो बाद उसने मिस इंडिया वर्ल्ड दे मुकाबले च हिस्सा लिया। उन्हें कहा कि उन्हें दी मां ने हमेशा उन्हें दा मार्गदर्शन किया अते उसका हौसला बढ़ाया। इस दे नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि जीवन सिर्फ एक सफर है ते मैं हमेशा अगे वधन दे लई अपने आप नू सिख्यार्थी समझा है ते इसलिए मैं लगातार अपने अंदर सुधार किया अते इस खेतर च अगे वधन दा फैसला किया। नंदनी ने यह भी दसिया कि किस तरह वह देवदास फिल्म देखने तो बाद अदाकारा ऐश्वर्या राय तो प्रभावित हुई अते उस तो बाद ही उसने ऐश्वर्या वांग बनन दा सुपना सजो लिया। इस दे नाल ही उन्हें यह भी कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं समाज दे विच बाकी औरतां दे लई भी वधेरे रोजगार दे मौके पैदा कर सकां। पहले तो मेरी मम्मा का ड्रीम था तो उनके सपने थे जो अब वो मेरे थ्रू देख रहे हैं एंड ये उनके एफर्ट्स हैं, ये उनके आप कह सकते संघर्ष हैं जो उन्होंने मेरे लिए करे। इवन आई वाज 18 व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई, सो लाइक सेंडिंग देयर डॉटर अलोन एंड इन अ सिटी लाइक मुंबई जहाँ मैं अकेले रहती थी, तो वो चीज़ उनका भी संघर्ष है इस चीज़ के अंदर। एंड जो भी चीज़ अभी तक बचपन से अभी तक करी है वो हर चीज़ें माता पिता का बहुत सहयोग रहा है और अभी भी मैं खुद पे प्रोग्रेस करती जा रही हूँ एंड दे आर वेरी हैप्पी। बैक स्टेज जब क्राउनिंग हुई तो मैं मेरी माँ के साथ अंदर गई तो मेरी मम्मा ने जब मेरा हेयर वापस टचअप कर रहे थे तब मुझे मेरी मम्मा ने वो क्राउन अपने हाथों से पहनाया एज इफ दैट नाउ शी इज़ लिविंग इट थ्रू मी एंड आई होप ये क्राउन एक बार मैं उनको उनको भी पहनाऊँ ताकि उनका सपना भी साकार हो। एंड टू बी ऑनेस्ट उस दिन मेरी मम्मा इतनी नहीं रोई जितने मेरे पापा रोए एंड दैट वॉज अ डे व्हेन माय जिस दिन मेरे पापा ने मुझे मेरे लाइफ के अंदर 19 ईयर्स एंड माय डैड हग्ड मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। बिकॉज हमेशा होता है ना आपकी मम्मा ज़्यादा मतलब वो इमोशनल ज़्यादा होती हैं बट डैड कभी आपके पापा बताते नहीं हैं कभी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। दैट डे आई सॉ द प्राउड एंड दैट डे आई सॉ हाउ यू नो हाउ प्राउड आई हैव मेड हिम एंड the tears flowing through his eyes, तब मुझे लगा कि yes, everything paid off। बहुत चीज़ें दिमाग में चलती थी, बहुत अच्छे दिन भी होते थे और बहुत बुरे दिन भी होते थे बट मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम थी उन्होंने सच में बहुत सपोर्ट किया एंड लिटरली हर दिन हम उठ रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं, हर चीज़ का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। एंड टू बी ऑनेस्ट अब चीज़ें बहुत चेंज हुई इन 40 डेज ऑफ पीरियड एंड लिटरली इजी नहीं था मेरे लिए नहीं, इवन जितने भी नॉर्थ ईस्ट से जो लड़कियां आई थी उनके लिए, इवन कमिंग इनटू मुंबई एंड सेटलिंग आउट उनके लिए हर चीज़ के लिए चेंज था, इवन फॉर वेदर फूड एंड ऑल द थिंग्स वर यू नो वेरी डिफरेंट फॉर देम। बट मैं उनको देख के खुद एडजस्ट होना सीखी बिकॉज ऑफकोर्स आप किसी को देख के आप कुछ सीखते हैं तो मैंने मेरे आसपास के लोगों से सीखा। कोटा के अंदर कोटा डोरिया करके एक फैब्रिक बनता है जिसके हैंडलूम वर्कर्स भी जो हैंडलूम वर्कर्स जो लेडीज़ हैं मोस्टली औरतें हैं तो उनके हाथों की डिसेबिलिटी हो गई है जस्ट बिकॉज उसको बनाते बनाते, तो आई वांट टू वर्क फॉर देम सो दैट व्हेन आई शोकेस माय सेल्फ ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मिस वर्ल्ड इंडिया के पास खादी के साथ साथ एक दूसरा फैब्रिक भी होगा दिखाने के लिए एंड आई थिंक दैट I'll make India proud in different manners। इस दे नाल ही होर खबरां दी जानकारी दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी दे नाल। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सब्सक्राइब करो अजीत वेब टीवी अते ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो।